हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेगीज किचन कॉर्नर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कटलेट। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप्ड कर लिए थे, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, प्याज, गाजर और हरा धनिया। कुछ मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर पर ही बनाया था, उबले हुए आलू, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा। और अब हम एक बोल में आलू को घिस लेंगे। इसके बाद हम इसमें सारी सब्जियां ऐड कर लेंगे, प्याज, गाजर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और धनिया। इसके बाद हम इसमें सारे ड्राई मसाले जो हैं वो भी ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हम हरी पहले डाल चुके हैं, नमक स्वाद अनुसार, और इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एक अच्छा डो बनाना है हमें। अब हम इस मिक्सचर का कटलेट बनाना शुरू करेंगे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेकर हथेलियों पे उसे राउंड राउंड करके कटलेट की शेप दे देंगे। अब हम एक चम्मच मैदा और दो चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके उसमें पानी डाल के उसका लिक्विड तैयार कर लेंगे। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले रखे हैं। इसके बाद जो मैंने कटलेट तैयार किए थे उसे पहले मैं कॉर्नफ्लावर में डिप करूंगी और उसके बाद उसे अच्छे से कोट कर लूंगी ब्रेड क्रम से। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। इसके बाद मैंने सारे जो कटलेट थे वो सारे कोट कर लिए हैं। अब मैं आपको कटलेट दो तरह से फ्राई करना बताऊंगी। पहले मैं डीप फ्राई करूंगी। हमें इनको बिल्कुल धीमी आँच पर डीप फ्राई करना है और हमें चारों तरफ से इन्हें अच्छे से पकाना है। इसके बाद हम कटलेट को शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं और यकीन मानिए इसमें बहुत कम ऑयल लगता है। ये देखिए हम सारे जो कटलेट है वो डाल देंगे। हमें कटलेट को चारों तरफ से अच्छे से पकाना है और हम एक मिनट बाद इन्हें पलट लेंगे और इनका देखिए कलर है जो वो गोल्डन होने लगा है। और ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ से पक गए हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।